नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नवनीत टॉक्स में। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक, जिसका नाम है भारत की खोज, और इस पुस्तक को लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। आज हम इस पुस्तक का 5वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है नई समस्याएं। इस पाठ में बहुत सारे छोटे छोटे शीर्षक दिए गए हैं, जिनमें से आज हम इस पाठ का 8वां भाग पढ़ेंगे, और वो शीर्षक होगा रंजीत सिंह और जय सिंह। तो आइए देखते हैं रंजीत सिंह और जय सिंह के बारे में इस पाठ में हमें क्या बताया गया है। रंजीत सिंह और जय सिंह, इस शीर्षक के अंतर्गत पंडित जवाहरलाल नेहरू हमें यह बता रहे हैं कि भारत के इतिहास में ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम हैं जिन्होंने अपने हिसाब से, अपनी ताकत के हिसाब से बहुत सारे अच्छे अच्छे काम यहाँ पर किए हैं। उनमें से दो नाम आता है, एक है रंजीत सिंह का और दूसरा है जय सिंह का। अब इनका क्या योगदान रहा, ये कौन थे, ये सारी चीजें जो है हम इन बिंदुओं के अंतर्गत समझेंगे। सफल शासक रंजीत सिंह, यहाँ पर रंजीत सिंह जो है उन्हें एक बहुत ही सफल शासक के रूप में देखा जाता है। इन्हें सफल शासक जो है वो क्यों कहा जाता है, आइए देखते हैं, और इनके बारे में पूरी जानकारी हम यहाँ पर देखेंगे। जाट सिख थे, ये सिख समुदाय से संबंध रखते थे और एक जाट थे। पंजाब में अपना साम्राज्य कायम किया, इन्होंने पंजाब में अपना साम्राज्य जो है वो स्थापित किया था। बाद में साम्राज्य कश्मीर और सरहदी सूबों तक फैल गया। बाद में इन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाना जब चाहा तो वो कश्मीर से लेकर के सरहदी सूबों, सरहदी सूबों का मतलब होता है जो हमारे जो सरहद है, हमारे जो बॉर्डर्स हैं, वहां पर छोटे छोटे जो प्रांत हैं उनको भी उन्होंने जीत लिया और उन सभी जगहों को उन्होंने अपने साम्राज्य में मिला लिया। और बाद में इनका जो साम्राज्य था वो सिर्फ पंजाब तक ही सीमित नहीं रह गया, बल्कि कश्मीर और सरहदी सूबों को भी उन्होंने जीत करके अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। अपनी कमजोरियों के बाद भी अद्भुत व्यक्ति थे। जैसा कि कहा जाता है कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमी होती है, कोई ना कोई कमजोरी होती है, इस तरह से बहुत सारी कमजोरियां इनमें भी थी, लेकिन अपनी कमजोरियों के बावजूद भी इन्हें एक अद्भुत व्यक्तित्व के स्वामी के रूप में याद किया जाता है। इनका व्यक्तित्व जो था वो बहुत ही अद्भुत था। तो ये क्यों ऐसा था, इनमें क्या क्या ऐसे गुण थे, आइए देखते हैं रंजीत सिंह के गुण। तो यहाँ पर इनके ऐसे क्या गुण थे जिसके कारण इन्हें अद्भुत व्यक्ति माना जाता है। अत्यंत मानवीय थे, इसका मतलब है कि अपनी जनता के प्रति, मनुष्य जाति के प्रति इनके मन में बहुत ही ज्यादा करुणा और दया की भावना थी। एक राज्य और शक्तिशाली सेना का निर्माण किया था। इनका जो साम्राज्य था वो पंजाब और कश्मीर और सरहदी सूबों तक फैला हुआ था, तो इन्होंने एक राज्य और अपनी जो सेना थी इनकी बहुत ही शक्तिशाली सेना का इन्होंने निर्माण किया। शासन निर्दयता और दमन से मुक्त था। शासन जितने वर्षों तक भी इन्होंने शासन किया था उस दौरान कभी भी क्रूरता जो है वो देखी नहीं जाती थी, कोई भी किसी के प्रति क्रूर नहीं होता था। और साथ ही साथ दमन, किसी भी चीज के लिए लोगों पर दबाव नहीं डाला जाता था, उनका शोषण नहीं किया जाता था। तो इनके शासन के दौरान बिल्कुल भी निर्दयता या दमन जैसी चीजें बिल्कुल भी देखी नहीं जा रही थी। इसके बाद बताया गया है इनके बारे में, खून खराबा पसंद नहीं था इन्हें बिल्कुल भी। खून खराबा मतलब मार काट, बिना किसी कारण के लोगों को मारना, लोगों की जान लेना, ये सारी चीजें इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मौत की सजा बंद कर दी थी। एक जो सजा होती थी उस वक्त कि अगर कोई जुर्म कर रहा है, कोई किसी तरह की गलती कर रहा है, तो उसे मौत की सजा, फांसी पर लटका दिया जाता था, लेकिन ये मौत की सजा इन्होंने बंद कर दी थी। चाहे जुर्म कितना भी बड़ा हो, चाहे गलती करने वाला, जुर्म करने वाला कितनी भी बड़े गलती कर ले, कितना भी बड़ा जुर्म उसके हाथों हो जाए, लेकिन फिर भी उसे मौत की सजा नहीं दी जाती थी। युद्ध के अलावा कभी किसी की जान नहीं ली। जब युद्ध होता था, किसी मजबूरीवश किसी राज्य से, किसी राजा से इनका युद्ध होता था, उसमें लोगों के ऊपर ये तलवार जरूर उठाते थे, लेकिन उसके अलावा कभी भी इन्होंने किसी की जान नहीं ली थी। एक से अधिक बार रंजीत सिंह की जान लेने की कोशिश की गई थी। राजा होने के नाते कई सारे इनके दुश्मन भी थे, तो एक से अधिक बार ऐसा देखा गया था कि इनकी जान लेने की कोशिश भी लोगों ने की थी। इन पर कई बार जानलेवा हमला भी किया गया था। तो ये रंजीत सिंह के बारे में ये कुछ बातें यहाँ लिखी गई हैं, आइए देखते हैं आगे। अब इसके बाद जो दूसरा व्यक्तित्व है वो है जय सिंह का, सवाई जय सिंह। इनका पूरा नाम था सवाई जय सिंह। अब यहाँ पर अलग तरह का भारतीय राजनेता, इन्हें भी एक बहुत ही अलग तरह का राजनेता माना गया है। भारत के एक क्षेत्र में जो राज करने वाले ये जो राजा थे, इनको एक अलग ही तरह का नेता माना गया है। अब इन्हें अलग तरह का नेता क्यों माना गया है, इनमें ऐसे क्या गुण थे, और इनके बारे में और भी बहुत सारी जानकारी हम इन बिंदुओं के अंतर्गत देखेंगे। सबसे पहले जयपुर, ये जो है जयपुर पर इनका शासन था।
इनकी मृत्यु हुई थी 1743 में। ये चतुर थे, ये बहुत ही ज्यादा ये चतुर थे, बुद्धिमान थे, अवसरवादी थे। अवसरवादी का मतलब होता है मौका जब भी वो सामने आता था या उचित मौके की तलाश में रहते थे, जब भी ऐसा सही मौका उन्हें नजर आता था बिल्कुल वो उस चीज का फायदा उठाने से पीछे नहीं हटते थे। तो हमेशा वो अवसर की खोज में रहते थे, अवसर की ताक में रहते थे। भारतीय इतिहास में होने वाली उथल पुथल से बचा रहा था। इनके शासनकाल के दौरान भारत में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि घट रही थी, लेकिन ये सारी उथल पुथल, इन सारी घटनाओं का इनके ऊपर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ा और ये इन सारी चीजों से हमेशा बचे रहे थे। जय सिंह के गुण व उनकी उपलब्धियां, यहाँ पर राजा जय सिंह जो थे उनके बहुत सारे गुण हैं जिनको हम इन बिंदुओं के अंतर्गत देखेंगे। बहादुर योद्धा था राजा जय सिंह जो थे, वो भी एक बहुत ही बहादुर योद्धा थे। कुशल राजनायिक थे, राजनायिक मतलब ये भी राज करने में बिल्कुल माहिर थे। इनके द्वारा बनाए गए नीति और नियम कानून ऐसे ऐसे थे जिसका पालन करके बहुत ही अच्छे से ये अपना शासन जो है वो चला रहे थे। इसके अलावा कुछ और इनमें गुण हैं, गणितज्ञ और खगोल विज्ञानी थे। गणितज्ञ, गणित में इनकी बहुत रुचि थी, गणित का इन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था। खगोल विज्ञानी, खगोल विज्ञानी उन्हें कहा जाता है जिन्हें कि अंतरिक्ष में जो आकाशीय पिंड हैं, तारे हैं, चांद हैं, हमारे ग्रह नक्षत्र हैं, उनका अध्ययन जो करते हैं उन्हें खगोल शास्त्री या खगोल विज्ञानी कहा जाता है। तो यहाँ पर आकाशीय पिंडों को लेकर के इनके अंदर बहुत ज्यादा जिज्ञासा थी और उसके बारे में इन्हें बहुत अच्छी खासी जानकारी भी थी। अब इसके अलावा इनकी रुचि जो थी वो इतिहास अध्ययन में भी इनकी रुचि थी। हमारे भारत के जो इतिहास है या किसी दूसरे देश का भी जो इतिहास है उसके अध्ययन में इनकी बहुत ज्यादा रुचि थी। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि गणित है, खगोल शास्त्र है और साथ ही साथ इतिहास, इन तीनों ही चीजों का अध्ययन करना इन्हें बहुत अच्छा लगता था और इनकी जानकारी भी इन्हें बहुत ज्यादा थी। अब यहाँ पर इन्होंने नगर निर्माण भी करवाया था, एक बहुत ही बड़े नगर का निर्माण इन्होंने करवाया था। अब वो कौन सा नगर था हम आगे देखेंगे। जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस, मथुरा में वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। अब यहाँ पर ये सारे जो शहरों के नाम है, यहाँ पर इन्होंने वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। वेधशाला जो है एक ऐसे भवन को कहा जाता है जहाँ पर कि जो लोग हैं वो आकाशीय पिंडों के बारे में अध्ययन करते हैं। वहां पर आप इस तरह के टेलीस्कोप वगैरह भी रखे जाते हैं जिससे कि रात के समय आकाशीय पिंडों को देखा जाता है, उन पर अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं, उन पर रिसर्च किया जाता है, तो उन्हें हम हिंदी में वेधशाला कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वेधशालाओं का निर्माण इन्होंने इन बड़े बड़े शहरों में करवाया था। जयपुर नगर बसाया था। अब यहाँ पर नगर निर्माण की जो बात हो रही थी उसके अंतर्गत इन्होंने जयपुर नगर, जो आज हम जयपुर नाम से जो जानते हैं जिसे पिंक सिटी भी कहा जाता है, उस नगर को इन्होंने ही बनवाया था, इन्होंने ही बसाया था। तो ये सारी उपलब्धियां हैं और उनके कुछ गुण हैं, आइए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर जय सिंह की अन्य उपलब्धियां, इसके अलावा इनकी और भी कुछ उपलब्धियां हैं वो इन बिंदुओं के अंतर्गत हम देखते हैं। यूरोपीय नगरों के नक्शे इकट्ठे किए, यूरोप में जो छोटे बड़े नगर हुआ करते थे वो किस तरह से बनाए गए थे, किस तरह से उनका निर्माण किया गया था, किस तरह से व्यवस्थित रूप से घरों का निर्माण किया गया था, सड़कों का निर्माण किया गया था, ये सारी चीजें नक्शे के रूप में ये इकट्ठे किया करते थे और इन्हें बहुत ही सुरक्षित इन्होंने रखा हुआ था। और इन्हीं नक्शों को देख करके इन्होंने जयपुर शहर का भी निर्माण करवाया था। जयपुर शहर का नक्शा स्वयं बनाया, इन नक्शों को देख करके इन्होंने जयपुर शहर के निर्माण से पहले जयपुर शहर का नक्शा इन्होंने स्वयं बनाया था। और जयपुर शहर का जो नक्शा था वो इतना सटीक था, इतना अच्छा था कि ऐसा माना जाता है कि जयपुर नगर निर्माण की योजना अब भी आदर्श निर्माण मानी जाती है। जयपुर नगर जो है इतने अच्छे तरीके से बसा हुआ है और उसकी योजना इतनी मजबूत थी कि आज भी ऐसा माना जाता है कि वो एक आदर्श निर्माण का उदाहरण है। पुराने यूरोपीय नगरों के नक्शे जयपुर के अजायब घर में सुरक्षित रखे हैं। यहाँ पर आज भी देखा जाए जयपुर के अजायब घर का मतलब होता है म्यूजियम। यहाँ पर जयपुर में ऐसे ऐसे म्यूजियम है जहाँ पर आज भी यूरोपीय नगरों के नक्शे जो कि राजा जय सिंह जो है वो मंगवाया करते थे, वो नक्शे आज भी बहुत ही सुरक्षित तरीके से वहां पर रखे गए हैं। युद्ध और षड्यंत्रों से घिरे रहने पर भी बहुत काम किया। यहाँ पर इनकी भी स्थिति वैसी ही थी, बहुत सारे युद्ध इन्होंने लड़े थे, बहुत सारे षड्यंत्र भी इनके पीछे हो रहे थे। षड्यंत्र का मतलब है कॉन्स्पिरेसी, ऐसी इनके पीछे पीठ पीछे योजनाएं बनाई जा रही थी, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने बहुत सारा काम, बहुत अच्छा काम इन्होंने भारत के लिए
किया। अब इनके दौरान नादिर शाह का जो आक्रमण है वो इन्हीं के शासन के दौरान हुआ था। अब कब हुआ था नादिर शाह का आक्रमण? जय सिंह की मृत्यु से 4 वर्ष पूर्व आक्रमण हुआ था। नादिर शाह ने यहाँ पर भारत पर आक्रमण किया था, उस वक्त जय सिंह जो थे वो जयपुर के महाराजा थे और इनकी मृत्यु से 4 वर्ष पूर्व नादिर शाह का आक्रमण भारत में हुआ था। जय सिंह के शासनकाल में सामंती वातावरण था। जय सिंह जो थे जब ये शासनकाल में थे, जब ये शासन किया करते थे, तो उस वक्त सामंती वातावरण था। सामंती वातावरण का मतलब होता है कि किसी भी राज्य को चलाने का जो भार है वो लोगों में बांट देना। जैसे सबसे ऊपर राजा हुआ करता है, राजा जो है अपने राज्यों को देखने के लिए, अलग अलग विभागों को देखने के लिए नेता चुनता है और वो जो नेता है वो इन विभागों पर नजर रखते हैं और ये जो नेता है ये अपने से नीचे के लोगों को आगे की चीजों को देखने के लिए उनका चुनाव करते हैं। तो इस तरह से जो कार्यभार है, जो राज्य को, शासन को चलाने का जो भार है वो लोगों में बढ़ जाता है, तो इसे कहते हैं सामंती वातावरण। तो जय सिंह जो थे उनके शासनकाल में इसी तरह से काम जो है वो सुचारू रूप से किया जाता था। चारों तरफ उथल पुथल, युद्ध, उपद्रव। अब यहाँ पर जय सिंह के शासनकाल के दौरान भारत की जो स्थिति थी वो शांत नहीं थी। चारों तरफ हमले हो रहे थे, नादिर शाह का भी आक्रमण भारत पर हो चुका था, चारों तरफ जो सत्ता थी वो उथल पुथल हो रही थी, युद्ध हो रहे थे और चारों तरफ उपद्रव हो रहे थे, मतलब जो आक्रमणकारी है वो मार काट लूटपाट का माहौल जो है वो बना हुआ था। आक्रमणकारी यहाँ वहां लूटपाट कर रहे थे, लोगों की हत्या कर रहे थे, तो इस तरह से जो वातावरण था वो बिल्कुल ही अशांत था, अंधकारमय युग था। उस वक्त ऐसा कहा जाता है कि भारत की जो स्थिति थी वो इतनी खराब थी कि उसे अंधकारमय युग भी कहा जाता है। एक वैज्ञानिक की तरह कार्य किया। अब यहाँ पर जो राजा जय सिंह थे उन्होंने एक वैज्ञानिक की तरह काम किया। वैज्ञानिक जो होते हैं वो नई नई चीजों की खोज में लगे रहते हैं, उसी तरह से जय सिंह जो थे वो भी हमेशा नई नई चीजें जो है करने में उनकी काफी रुचि थी और राजा जय सिंह भी जो थे वो नई नई चीजें अपने राज्य में लाना चाहते, तो इन्हें एक वैज्ञानिक के रूप में भी देखा जाता है। तो इस तरह से ये जो शीर्षक है यहाँ पर खत्म होता है। तो बच्चों आशा है ये जो भाग 8 में रणजीत सिंह और जय सिंह के बारे में जो कुछ भी इस शीर्षक में लिखा गया है वो आपको समझ में जरूर आया होगा और इसी तरह से आगे के जो शीर्षक हैं उन्हें भी हम समझेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।